वो है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का। लेविस थ्योरम इसके अंदर भी गिवन है, खैर वो तो हमने कर ही ली। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट क्या कंस्ट्रेंट है इसको एक बार डिस्कस करता हूं। और क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक पुली है और दो मासेज हैं, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि रिलेशन बताओ एक्सेलरेशन ऑफ वन एंड टू बॉडी का रिलेशन क्या होगा। मतलब कि अगर इसकी एक्सेलरेशन ए है तो इसकी एक्सेलरेशन भी ए ही होगी, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये बात। हाँ, ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ए के साथ नीचे जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट ए के साथ ऊपर जा रहा है, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ठीक, ये शीट नंबर 39 है। ठीक है यहां तक? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई ए और ए तो बराबर ही हैं। कैसे किया था? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे एम टू जी माइनस टी इज एम टू ए और टी माइनस एम वन जी इज एम वन ए, फिर सॉल्व करूंगा, फिर ए निकालूंगा, फिर बताऊंगा। वो कह रहे हैं जी ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है, आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरी गेम में ए की चीज की मजबूरी है, और वो क्या मजबूरी है? वो रस्सी की मजबूरी है। रस्सी की क्या मजबूरी है? रस्सी की लेंथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि नॉन इलास्टिक है, यही तो कंस्ट्रेंट है इसका। कुछ भी चेंज होगा, रस्सी की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। खिंची हुई रस्सी है, बिल्कुल टाइट है, तो रस्सी की लेंथ सेम रहेगी। बस इतनी सी बात पे आप एक सेकंड में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन एक लाइन में निकाल देंगे। देखो कैसे। अब मैं अपना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करूंगा, एम टू जी टी एम वन जी कुछ नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि एक रस्सी है इधर से इधर जा रही है, और आप इस पुली का मिड पॉइंट लें। इस रस्सी की जो लंबाई है लेफ्ट की तरफ फर्स्ट ब्लॉक की, वो एक्स वन लें और यहां से ये एक्स टू लें। ये लंबाई तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, इधर इधर बराबर ही है, लेफ्ट और राइट फर्क नहीं पड़ रहा। तो टोटल लेंथ इस स्ट्रिंग की क्या होगी? एक्स वन प्लस एक्स टू। तो देखो ये मैंने लिख दिया एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मान लो रस्सी की लेंथ एल है, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो सोचो तो फर्स्ट ब्लॉक है एम वन, वहां वो लेंथ कितनी है? एक्स वन। तो जब वो ब्लॉक मूव करेगा तो वो एक्स वन डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो तुम इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स वन की डी एक्स वन बाई डी टी क्या होगा? वी वन। ये क्या बनेगा? वी टू। लेंथ रस्सी की कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन इज जीरो। तो वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू जीरो, या वी वन माइनस वी टू, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो इसे टाइम के साथ, तो ए वन इज इक्वल टू माइनस ए टू। लो, मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट है, और ये चीज ऑलरेडी हम बड़े तरीके से कर भी चुके हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर वही तरीका ठीक था। अच्छा, अगर वो तरीका ठीक था तो फिर इसको कर दो, और वो ठीक था मैं एक और पुली लगाता हूं उसको कर दो, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप उस मेथड को यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन लेनी पड़ सकती है। कैसे? अगर मैं पुराने तरीके से बात करूं तो पुराना तरीका कहता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और मान ले ये पूरा एक सिस्टम है रस्सी से बना हुआ है, पूरे का पूरा नीचे आएगा विद ए। लेकिन इसके अंदर एक सब सिस्टम है जिसमें मान लो ए थ्री नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए वन और ए टू ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए वन। अब दो दो एक्सेलरेशन रोल प्ले करेंगी, और हो सकता है तुम्हें इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन लेनी पड़े ए प्लस ए वन, और यहां पर ए प्लस ए वन या ए माइनस ए प्लस ए वन, कुछ भी ऐसा, मतलब ए माइनस ए वन ए प्लस ए वन कुछ ऐसे। फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत, हम तो एक एक्सेलरेशन संभाल नहीं पा रहे और यहां तो दो दो और रिलेटिव एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हैं। हम मेथड फॉलो ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस क्या है? आप सबसे पहले सारे डिस्टेंसेस को टॉप की पुली से लेना शुरू करो। मान लो ये ओरिजिन है आपका, सारे डिस्टेंसेस यहीं से लिए जाएंगे। तो किसके लेने हैं? आपने सिंपल एक काम करना है, इसमें कितनी रस्सियां हैं, कितनी स्ट्रिंग्स हैं? दो। पहली रस्सी ये रही और दूसरी ये रही, बस आपने दोनों रस्सियों की लेंथ लेनी है और कुछ नहीं करना। लेंथ लेने के लिए काम करना है,
ये ओरिजिन मानते हुए मान लो इस ब्लॉक की दूरी यहां से एक्स वन है और यहीं से इस ब्लॉक की दूरी कितनी है एक्स टू है किसी भी इंस्टेंट पे, फिर यहां से इस ब्लॉक की दूरी कितनी है एक्स थ्री है और यहां से ये मान लो एक पुली है क्योंकि ये भी नीचे जा रही है, तो यहां से यहां की जो स्ट्रिंग है वो एक्स फोर है। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस डिफाइन कर दिए, एक आपने यहां से फर्स्ट ब्लॉक का, एक आपने पुली टू पुली लेना है, एक आपने पुली से थर्ड ब्लॉक का। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जो एक स्ट्रिंग है कौन सी, एक स्ट्रिंग कौन सी दिख रही है आपको, जी मुझे ये दिख रहा है, राइट ये दिख रहा है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, और मैं अगर ये पूछूं इसकी लंबाई क्या है लेंथ क्या है, तो लेफ्ट की तरफ कितनी है एक्स वन और राइट की तरफ कितनी है पुली टू पुली एक्स फोर, तो कितनी लंबाई हुई पहली रस्सी की एक्स वन प्लस एक्स फोर इज इक्वल टू एल वन, कोई डाउट इसमें सही है। अब मैंने पूछा दूसरी रस्सी कहाँ है, आपने कहा ये है, तो मैंने कहा इसकी लंबाई क्या है, तो आपने देखा यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है एक्स टू और पुली टू पुली कितना है एक्स फोर, तो एक्स टू में से पुली टू पुली का डिस्टेंस एक्स फोर माइनस करेंगे तो लंबाई क्या आएगी एक्स टू माइनस एक्स फोर, और इसकी लंबाई क्या आएगी इसकी दूरी ऊपर से कितनी है एक्स थ्री और ये कितना है एक्स फोर, तो क्या आएगा एक्स थ्री माइनस एक्स फोर, तो टोटल लंबाई क्या आएगी लेफ्ट प्लस राइट एक्स टू माइनस एक्स फोर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स फोर इज इक्वल टू एल टू। क्या ये स्टेप क्लियर है, दो रस्सी है दोनों की लेंथ निकाल ली, ठीक डाउट है इसमें समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो दो स्ट्रिंग है दोनों की लेंथ निकाल ली, अब ये पहली लेंथ है दूसरी लेंथ है, आप इसके अंदर x4 x4 कंबाइन करोगे माइनस टू एक्स फोर, आप इसे दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को तो क्या बनेगा x1 बनेगा a1 x4 बनेगा a4 कांस्टेंट की जीरो, इसे करो ये बनेगा a2 ये बनेगा a3 ये बनेगा a4 ये बनेगा जीरो। हमने रिलेशन किसका निकालना है, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं तीन, इसकी एक्सलेशन a1 a2 a3 इनमें रिलेशन निकालना है, पुली की एक्सलेशन a4 है a4 को एलिमिनेट करो, कैसे यहां से a4 क्या है माइनस a1 इसको यहां पुट कर दो माइनस a1, तो ये ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलेगा a1 a2 a3 का रिलेशन पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव आंसर मार्क कर देना। अब मुझे पता नहीं वो क्या सिचुएशन देगा बट आपको समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें, तो जो पुली है वो तो एक इंटरमीडिएट बॉडी है m1 m2 m3 में, तो पुली की एक्सलेशन a4 को हम एलिमिनेट कर देंगे, ना डाउट है इसमें ना डाउट है, समझ में आ रहा है कोई डाउट इसमें किसकी, नहीं मतलब वो तो ऐसा है ना ये तो बराबर भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, वह जितने क्वेश्चन कंस्ट्रेंट के होते हैं उसमें a1 a2 a3 जितने ऑब्जेक्ट हैं उतनी एक्सलेशन होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्टिव बना ही ऐसा होता है a1 a2 a3 में निकालो, अगर चार ब्लॉक्स हैं तो चार एक्सलेशन होंगी, ऐसा होता है क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, मतलब बाई डिफॉल्ट ही ऐसे आते हैं। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, चलो एक बार फिर से करके देखो, कोई बात नहीं फिर करो, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है ऊपर वाला थोड़ा कटा हुआ डायग्राम है, ये वाला ये मत देखो, ये देखो ये डायग्राम है, अब देखो नॉर्मल तरीके से कितना मुश्किल है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है m1 ये m2, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं दो, तो आपको इनकी एक्सेलेरेशन का रिलेशन निकालना है a1 और a2 का, ठीक है, तो आप इसमें कितनी स्ट्रिंग्स देख पा रहे हैं कितनी रस्सियां देख पा रहे हैं तीन, कैसे ये एक ये दो और ये तीन, तो कितनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेंगी तीन, अब तीन कैसे बनेंगी लॉजिक, सबसे पहले ये ओरिजिन मान लेंगे, ओरिजिन से इस ब्लॉक की दूरी कितनी है सीधी x1 और इस ब्लॉक की दूरी कितनी है x2, x1 x2 हो गया, अब पुली टू पुली लेंगे, इस पुली की दूरी कितनी है x3 और इस पुली की दूरी कितनी है x4, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग है इसकी लंबाई क्या है, तो ऑब्वियसली मतलब मैं ये लंबाई पूछ रहा हूं ये वाली और ये वाली, तो ये लंबाई कितनी है x1 और ये कितनी है x3, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू l1, डन। नेक्स्ट जो रस्सी दिख रही है वो आपको ये दिख रही होगी यहां से यहां तक, अब अगर मैं ये पूछूं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी लंबाई कितनी है x1 माइनस x3, पुली टू पुली का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, और ये लंबाई कितनी है
पुली, इस पुली से इस पुली का डिस्टेंस x4 है और इस पुली से इस पुली का कितने निकालना है, x4 माइनस x3। तो यानी कि इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ इक्वल टू क्या होएगा l2। ये देखो ये बनाया हुआ है इसमें, ये x1 है पहली रस्सी, ये x3 है, x1 x3 l1। इस रस्सी की लेंथ क्या है, x1 माइनस x3 ये रही, और इस रस्सी की लेंथ क्या है, x4 माइनस x3 ये रही, इक्वल टू एल टू। अब ये वाली रस्सी ले, इसकी लेंथ क्या है, टोटल x1 है, x1 में से x4 माइनस कर दो तो क्या आएगा x, ये लेंथ आ जाएगी, और ये लेंथ क्या है, x2 में से x4 माइनस कर दो ये लेंथ आ गई। अब एक काम करो, इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करो, इसे दो बार, इसे दो बार, तो ये क्या बनेगा, इसकी इक्वेशन बनेगी ए वन प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो, इसकी क्या बनेगी ए वन प्लस ए फोर, एक्स फोर की जगह ए फोर, ये माइनस टू एक्स थ्री है, माइनस टू ए थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक्स वन की जगह ए वन, एक्स टू की जगह ए टू, और एक्स फोर दो बार है, माइनस टू ए फोर इक्वल टू जीरो। हमने रिलेशन किसका किसका निकालना है, ब्लॉक्स का ए वन ए टू का, तो क्या इलिमिनेट करना पड़ेगा, ए थ्री को और ए फोर को। तो तीन इक्वेशंस हैं, तो आप ए थ्री को ए वन की फॉर्म में निकाल लो, ए फोर को भी इलिमिनेट कर दो ए वन और ए टू की फॉर्म में, सॉल्व कर लो। इसने भी सॉल्व नहीं किया, सीधा बोल दिया ए टू ए वन का ये आंसर आए, सॉल्व करने का काम आपका है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है कंस्ट्रेंट का। जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने डिस्कस किया था, तो जिसमें अभी मैंने निकाला भी था आंसर। अब लेकिन क्वेश्चन ये चेंज कर दिया, आपने ये नहीं पूछा ए वन ए टू ए थ्री का रिलेशन निकालो, वो तो हमें ऑलरेडी पता है ए वन ए टू, इसके अंदर जो क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ था ये वाला सेम, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हमें पता है क्या था, ए टू ए थ्री प्लस टू ए वन इक्वल टू जीरो, ये हमने करके देख लिया था। पर उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटीज ऑफ वन एंड टू, ये वन है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ वन मीटर पर सेकेंड है, और टू की वेलोसिटी ऊपर की तरफ वन मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ वी थ्री क्या है, इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी। तो तुम एक काम करो, ये इक्वेशन तो आप ऊपर से पता है आपको कहाँ से आई, इस इक्वेशन के बेसिस पे वेलोसिटी की इक्वेशन भी सेम ही बनेगी, अगर ए की रिलेशन है तो वी का भी सेम ही रिलेशन है। तो आपको वी वन पता है, v2 पता है, वन पुट कर दो, v3 अपने आप आ जाएगा माइनस में, माइनस साइन का मतलब बॉडी नीचे नहीं आ रही, बॉडी बॉडी ऊपर नहीं आ रही, बॉडी नीचे आ रही है। वो कैसे, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटीज आपने 1 और 1 दोनों पॉजिटिव पुट की हैं, तो v3 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब v3 कहाँ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, v3 नीचे जा रहा है, उसका आंसर मार्क कर लेना।